साहब को ले लिया स्वर्गीय कर्नल साहब के आज अस्थि विसर्जन के इस कार्यक्रम में आप सबका योगदान मंच में आप सब पधारे और यहाँ पधारने पर सबसे मोटी बात है कि जगत पिता वर्मा जी के भी दर्शन होंगे और पुष्कर स्नान के सिवाय तो और क्या हो सकता है। दूसरे अस्थियाँ तो घर वाले या कुछ लोग ही उसका विसर्जन करते हैं लेकिन आज विशाल दायरे में आप सब आए हैं तो आगे के लिए भी मेरा तो इतना ही कहना है संगठन में शक्ति है और संगठन के बिगैर अलग अलग होने पर फायदा नहीं। और अब हमारे बीच क्योंकि विजय जी नेसला जी हैं कर्नल साहब के सुपुत्र हैं तो ये राजनीतिक तौर पर भाग लेंगे और पब्लिक सब साथ है आम पब्लिक गुजर समाज साथ है और हिंदुस्तान में विदेशों में भी गुजरों की पहचान हुई है तो आज वक्ता काफी है। मैं और भी विस्तार से जाता लेकिन इतना ही कह जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद विजय साहब। मेरा आपसे आग्रह है क्योंकि गालियां तो मुझे पढ़नी है क्योंकि मैं उन लोगों के लिए दिक्कत हूँ करें बुरा तो लगना ही है लेकिन मैं मेरे कर्तव्य को पूर्ण कर लूं। आप अपनी बात कह करके अपने स्थान पे एक बार चले जाएं। हाथ जोड़ रहा हूं इस जनता माता इस जात गंगा के सामने निवेदन कर रहा हूं शहीदों के लिए स्थान आरक्षित है। इसी क्रम में मैं निवेदन करूं पूर्व विधायक महेंद्र सिंह जी गुर्जर आप नसीराबाद से आते हैं और हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। माननीय विधायक महेंद्र सिंह जी गुर्जर नसीराबाद जिनका नंबर आ जाए अपनी बात कहने के बाद मंच के सामने व्यवस्था है वहां पे आए क्योंकि वहां जो सामने बैठे हैं उनका नंबर बारी बारी से इधर आना है। भैंसला जी अमर रहे। आज हमारे समाज के लिए राजस्थान के गांधी भैंसला जी की स्मृति में और उनकी अस्थियाँ राजस्थान से पूरे समाज ने सारे समाज के आदमी अस्थि लेके आए हैं और कुछ कर इकट्ठे हुए हैं। एक जितना भविष्य में भी होगा उतना हुआ ऐसा कार्य महसूस ने किया छोड़ नहीं सकते थे कि आरक्षण भी एमबीसी का मिलेगा